नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, वन वन और वन, जिसकी चारों साइड्स वन वन है. इसके बाद टू, देन फोर, फोर के बाद यहाँ पे है वन वन एंड वन. दिस साइड इज थ्री, यहाँ पे अगेन वन वन एंड वन. दिस साइड इज थ्री. तो देखने में जो फिगर है इसके सिमिलर होनी चाहिए. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी बुक की बैक पे, बैक जो पेज है उस पे आइसोमेट्रिक डॉट शीट गिवन है, आप उस पे ड्रॉ करके देख सकते हैं. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क. जो भी साइड्स गिवन है उतनी ही साइड की मेजरमेंट से हमें ड्रॉ करना है. नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं सिक्स. सबसे पहले ये साइड हमारे पास है सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स हियर, सिक्स एंड सिक्स. नाउ टू, वन एंड टू, टू के बाद फोर, फोर देन टू, अगेन फोर. यहां तक क्लियर? हमने लास्ट वाला स्टेप ड्रॉ किया, सिक्स सिक्स टू फोर फोर एंड टू. उसके बाद अगेन टू इस साइड, टू देन फोर, टू और ये हमारे पास है फोर. यहां तक क्लियर? अगेन टू, फर्स्ट सेकेंड, नाउ थर्ड, दिस इज फोर एंड टू. अगेन इस साइड पे टू, देन फोर, देन टू, इसके बाद अगेन अपवर्ड्स टू, फोर एंड टू, अगेन फोर एंड टू. जो हमारे पास ये साइड है ये आएगी सिक्स सिक्स और ये टू और ये वाली सारी साइड्स है फोर. तो जब हम ड्रॉ करेंगे देखेंगे जो हमें गिवन फिगर थी उसके सिमिलर हो गए. जैसे इसमें मान लीजिए हमारे पास जो डॉट्स हैं वो पास पास हैं, इसलिए हमारी जो साइड्स हैं छोटी आ रही हैं. लेकिन जब ऐसे आप आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे ड्रॉ करोगे, इक्वल स्पेस डॉट होंगे, तो आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी और आपकी फिगर भी बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी. इसमें हो सकता है कोई साइड बड़ी या छोटी हो, लेकिन जब आप आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर इसके फिगर आपकी बनेगी. क्लियर?